पंजाब के जलंधर में अर्बन स्टेट स्थित रॉकी चिकन बार पर पुलिस ने रेड मारकर भारी संख्या में हुक्के और तंबाकू फ्लेवर जब्त किए। पुलिस ने 7 हुक्का पीने वालों, रेस्तरां मालिकों और एक बाउंसर को हिरासत में लिया है। बार बार हुक्का बारों पर रेड पड़ने के बाद भी रेस्तरां मालिक हुक्का परोसने से बाज नहीं आ रहे। आज भी जलंधर के अर्बन स्टेट फेस 1 में थाना नंबर 7 की पुलिस ने रेड मारकर भारी संख्या में हुक्के और तंबाकू फ्लेवर बरामद किए। पुलिस ने रेस्तरां मालिक रॉकी समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया। 7 नंबर थाना प्रभारी रमनदीप ने बताया कि लोगों की शिकायत थी कि ये लोग सरेआम हुक्का परोसते हैं, तो हमने रेड की और शिकायत को सही पाया। इन सब पर कार्रवाई की जा रही है। अज मैं अर्बन स्टेट फेज 2 लाइटों से मौजूद सी कि इनफॉर्मेशन मिली कि रणजीत सिंह मालिक आ जी रॉकी फूड फ्लेवर कंपनी दुकान आ एक जिथे सरेआम हुक्का आम पब्लिक नूं पिलाउंदे आ ते इस आधार दे उत्ते रेड किया गया जिथों 7 गाहक हुक्का पीते फड़े गए ते एक इन्हां ने सिक्योरिटी गार्ड रख्या होया सी मैथ्यू भट्टी बाउंसर के तौर पर वह काम करता सीगा ते असीं इन्हां नूं काबू कर लिया आ। काबू करके एफ आई आर दर्ज कर दिती आ। 4A 21A तंबाकू एक्ट तहत ते 188 नाल लगाई गई। बरामदगी की हो गई उत्थों? बरामदगी इन्हां कोलों हुक्के बरामद हुए आ जी, जिहड़े छुपी रहे सीगे हुक्के दे नाल फ्लेवर जिहड़े मौके ते मौजूद सी वह बरामद हुए आ ते हुक्के नाल जो अटैचमेंट वगैरह सी वह बरामद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।